ये देखिए आज की रेसिपी है हमारी छोला भटूरा। कितने फूले फूले भटूरे हैं आज हम आपके लिए भटूरा रेसिपी लेकर आए हैं। तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन पर। हमने एक कप पहले सूजी का रखेंगे और इसको एक कटोरी के अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर अच्छे से मिला लेंगे सूजी को। ये देखिए अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 कटोरी मैदा डाल देंगे। अब मैदे में हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे। अब डालेंगे बेकिंग सोडा 1 चम्मच। अब आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब ये जो सूजी को हमने 10 मिनट के लिए रखा था ये फूल चुकी है। अब ये सब इसके अंदर डालकर आटा बनाएंगे। दही डालकर इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। थोड़ी थोड़ी दही डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और अच्छे से फिर से मसल लेंगे। ये देखिए अब हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं। अब इसे हम तेल लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। लगा दिया है 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप रख सकते हो। तब तक हम अपने छोलों की तैयारी करते हैं। चलिए, ये छोले हैं 250 ग्राम छोले हैं। इन्हें हमने 2-3 घंटे पहले ही भिगो दिया था। आप चाहो तो इन्हें रात भर भी भिगो सकते हो, अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए अच्छे से फूले हुए हैं, 2-3 घंटे के लिए भिगो। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। छोले बनाने के लिए हमने कुकर लिया है, कुकर में बनाएंगे। इसे हमने गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। अब 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आप जिस भी तेल में बनाना चाहते हो उसमें बनाइएगा। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा और ये काली मिर्च है ये डाल देंगे। अब डाल देंगे 2 पत्ते, ये तेज पत्ते हैं। मिला लेंगे एक बार। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। ये देखिए सभी चीजें पक चुकी है। अब इसमें हमने ये छोले का पेस्ट बनाया है। उबले हुए छोले नहीं है ये, बिल्कुल रात के भिगोए हुए हैं। इन्हें हम डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब मसाले डालेंगे हम। ये आधा चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर और हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक। आप अपनी सब्जी के हिसाब से नमक डालिएगा। अब अच्छे से मिला लेंगे इनको भी। अब ये टमाटर की प्योरी है, आप चाहो तो अभी प्याज भी डाल सकते हो। प्याज खाना पसंद करते हो, दोनों चीज़ों को प्याज और लहसुन को अभी डाल लीजिएगा। 1 चम्मच हम हरी मिर्ची है ये डालेंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम एक ये छोले का मसाला आता है वो डालेंगे और छोले डालकर सीटी लगवाएंगे। ये हम छोले डाल रहे हैं। छोले डालकर अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। 1 कप पानी का डाल रहे हैं हम। अब सीटी लगवाएंगे कुकर का ढक्कन लगाकर। देखिए हमारे कुकर में 3 सीटियां आ चुकी हैं।
अब खोल के देखेंगे। ये देखिए कितने अच्छे छोले बने हैं, ये देखिए एकदम से कितने अच्छे बने हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। आप देख सकते हो हाथ लगाकर, देखिए फूट रहे हैं। आप अगर डार्क कलर के छोले खाना पसंद करते हो तो आप इसमें चाय पत्ती का पानी मिला दीजिएगा। अब इसमें हम हरा धनिया उबाल देते हैं। ये हमारे छोले की सब्जी तो हो गई है तैयार, अब हम अपने बनाएंगे भटूरे। चलिए भटूरे और बना लेते हैं। देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से फूल चुका है, यानी अच्छे से सेट हो चुका है ये। इसे एक बार और हम थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। अब हमें करना क्या है, कढ़ाई को गैस पर रख देना है, उसमें तेल या आप रिफाइंड ऑयल में बना रहे हो जिसमें भी, तो हम ये भटूरा बेल लेंगे एक ऐसे ही गोल गोल लोई बनाकर। लोई को देखो इस तरह से जितने भटूरे बड़े पसंद करते हो आप बना लीजिए। ये देखिए अच्छे से बेल लेना है। आप चाहो तो आटा लगाकर बेल सकते हो या फिर आप तेल लगाकर बेल लीजिए। ये देखिए तेल अच्छे से गरम करना है और अच्छे से गरम हो चुका है, ये ऊपर से धुआं आ रहा है। और ये भटूरे को छोड़ेंगे हम इसके अंदर अच्छे से दबाकर, इसके ऊपर तेल को ऐसे ऊपर डाल देंगे ताकि ये भटूरा अच्छे से फूल जाए। देखिए भटूरा कितने अच्छे से फूल रहा है। इसी तरह से हम सभी भटूरे बना लेंगे। ये देखिए हमने दूसरा भटूरा भी किस तरह से छोड़ा था और फूल चुका है ये भी। कितना अच्छे फूले फूले भटूरे बने हैं, तो आप भी इस कड़कड़ाती ठंड में जरूर बनाइएगा। ये देखिए हमने भटूरे और छोले को बना लिया है, कितने अच्छे फूले फूले भटूरे बने हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए हम तोड़कर दिखा रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। नरम भटूरे बने हैं, ये देखिए छोले भी कितने अच्छे बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।